Dear students, the topic which we are going to discuss is hazards assessment, prevention, and control. Here we have to see there must be some sort of checklist. With the help, we can check all the SOPs have been followed or not. Number one are portable fire extinguisher properly mounted, readily accessible, and adequate number and type. This is the first checklist. इसका ये मतलब है कि इन केस ऑफ एनी फायर फायर को बुझाने वाले जो आलात है, हैं ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल्ड हैं नंबर टू आर फायर एक्सटिंग इंस्पेक्टेड मंथली फॉर बोथ पोर्टेबिलिटी एंड जनरल कंडीशन नंबर थर्ड आर फायर एक्सटिंग रिचार्ज रेगुलरली नंबर फोर आर इंटीरियर स्टैंड पाइप एंड वाल्व इंस्पेक्टेड रेगुलरली इन मतलब ये है कि जो भी आग को बुझाने वाले आलात हैं उनकी इंस्पेक्शन मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग से होनी चाहिए इज द फायर अलार्म सिस्टम टेस्ट रेगुलरली आर इम्प्लाइज टेंड इन प्रॉपर यूज ऑफ आर फायर एक्सटिंग इन तीन पॉइंट्स का ये मतलब है के फायर अलार्म सिस्टम को चेक किया जाए उसके अलावा आग बजाने वाले जो आलात हैं उनको टेस्ट करने के साथ साथ एम्प्लाई को उसकी ट्रेनिंग दी जाए और थर्ड वो तमाम कंडीशन जिसमें फायर फाइटिंग आपके इम्प्लाईज़ को करना पड़ सकती है उनको उन तमाम सिचुएशंस को टैकल करने की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए आल दीयरेस्ट फायर हाइड्रेंड्स फ्लश एनअली आल दीरस्ट फायर हाइड्रेंडेड रेगुलरली आर एवेन्यू एंड इनगेस एंड ईगल्स क्लियरली मार्क् इसका ये मतलब है कि जो भी आप आग बुझाने वाले आलात को यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर जो निशान है वो होना चाहिए अगर वो टेस्टेड है चेकड है तो वहाँ पर टिक का निशान हो अगर चेक टेस्टेड बाकायदगी से नहीं है तो क्रास का साइन हो ताकि हमें मालूम हो सके कि आर्गनाइजेशन के अंदर जो इक्विपमेंट जो भी टूल यूज़ किए जा रहे हैं उनकी इंस्पेक्शन बाकायदगी से हो रही है आर आल एवेन्यूज़ ऑफ इनगज एंड ऑफ के आर फायर डोर एंड शटर इन गुड वर्किंग कंडीशन आर फ्यूजिबल लिंक इन प्लेस एंड रेडिली एक्सेबल इन तीनों पॉइंट में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी स्टूडेंट्स वो ये है कि आर्गनाइजेशन के अंदर जो डोर हैं अगर वह आप इन केस एनिफायर वो डोर क्लोज हो जाते हैं तो आपके पास अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हों प्लान बी हो ताकि आप अपने इम्प्लॉज़ को आसानी से वहाँ पे एवेक्ट करा सकें इज़ द लोकल फायर डिपार्टमेंट फेमिलियर विद द फैसिलिटी एंड एनी स्पेसिफिक हैजर्ड्स एंड लास्ट पॉइंट जो कि इसमें है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है इज़ द आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम इन गुड वर्किंग ऑर्डर मेनटेन ऑन अ रेगुलर बेसिस इन दो पॉइंट्स का अलग अलग मतलब है पहला पॉइंट का ये मतलब है कि जो भी लोकल फायर फाइटिंग के साथ ऑर्गेनाइजेशंस अटैच हैं जो कि लोकल आपकी रेस्क्यू की टीम में हैं उनसे आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए कंटेक्ट होना चाहिए और इसके अलावा आप लोगों की जो पानी को बुझाने वाले स्प्रिंकलर हैं क्या वो बाकायदगी से चेक होते हैं इन केस ऑफ एनी फायर यू कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ योर इक्विपमेंट विच यू हैव इंस्टॉल्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन